हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पराग बुटीक में। तो दोस्तों, आज देखिए हम आपके लिए एक स्पेशल सूट की कटिंग लाए हैं। इस प्रकार से कश्मीरी वर्क के अगर सूट है तो उसे किस प्रकार से आप कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, यह देखिए हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा सूट आया हुआ है, इसको हम आपको कटिंग करके बताएंगे। और इस सूट की खासियत है कि यह सूट बैक गला जो होगा 10 इंच का होगा, तो 10 इंच के गले पर आप किस प्रकार से कटिंग करेंगे देखिए आज हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार का यदि आपके पास सूट आ जाए तो आप किस प्रकार से इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब इसकी कटिंग। सबसे पहले इनकी जो लंबाई है वो 38 इंच है, तो 38 इंच के लिए हमें यह जो लंबाई है कम पड़ रही है ग्राहक के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सूट में 38 इंच के बजाय 41 लंबाई आ रही है, तो हमें इसी प्रकार से करना पड़ेगी कटिंग 41 के हिसाब से, क्योंकि यह जो लंबाई है कम पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है नीचे का यह कटना नहीं चाहिए। यदि ये कट जाएगा तो सूट का शो खराब हो जाएगा। तो हम इससे पहले यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं हम कि हम इस प्रकार से यहाँ से कटिंग कर ले आए। हम इसका फ्रंट अलग निकाल लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार के सूट कटिंग करें तो फ्रंट को काट के अलग कर ले, क्योंकि फ्रंट में डिजाइन रहती है तो उसी प्रकार से हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो यह हमने फ्रंट का कपड़ा अलग निकाल लिया है। यह देखिए, इस फ्रंट के कपड़े को आप सेंटर से उठाकर इस प्रकार से बिछा लीजिए। अब यह हमने हमारा कपड़ा बिछा लिया है और इस स्टेपलर की मदद से आप यह दोनों डिजाइन को मिलाएंगे और इस पर एक स्टेपलर कर दीजिए। यह मोती नहीं है, स्टेपलर आराम से लग जा रहा है। और एक जो रहता है स्टेपलर, आप यहाँ पर भी लगा दीजिए। अब यह देखिए, इसको इधर उधर सरकने का काम खत्म हो गया। यह इस प्रकार से आप देख लीजिए। यदि आपके पास प्रेस गर्म है तो इस प्रकार से आप प्रेस कर लीजिए। ताकि कपड़ा हमारा और अच्छे से जम जाए। जब हम इस पर प्रेस कर लेंगे तो ये कपड़ा हमारा और अच्छी तरह से जम जाएगा। यह देखिए इस प्रकार से। अब इसे हम अलग कर देते हैं। अब हम आपको इसका नाप समझाते हैं। यह देखिए, इसकी लंबाई थी 38 इंच, तो हमने इस फ्लावर के कारण इसे 41 रखेंगे। और चेस्ट है इनका 43, 43 में 3 इंच और मिला देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 46 इंच। और इसकी कमर है हमारी 38, जिसमें 3 इंच मिलाएंगे हम तो बन जाएगी हमारी 41। और इसी तरह से हमारा इसका जो हीप नाप है, हीप का इसमें हम 4 इंच मिलाएंगे तो 52 हो जाएगा। और घेर है जो इनका 26 है, आस्तीन की लंबाई 18 इंच है और गोलाई 12 इंच है। इसी तरह से इनका आर्म होल साइज जो फुल है, मुंडे का नाप 21.5 इंच है और आस्तीन का जो बाइसेप होता है, बाइसेप का नाप 18.5 इंच है। बैक गला 10 इंच है, आगे का गला 6.5 इंच है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सूट की हम किस प्रकार से मार्किंग लगाते हैं आप देखिए। यह आपके बहुत काम का वीडियो है और वीडियो को जब भी देखें आप, तो मैंने कहा है कि अंत तक देखें ताकि आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आए। हम क्या करेंगे, इस गले को इतना पूरा कटिंग करके बना लेंगे। जब यह गला हमें 6.5 इंच चाहिए तो हम इसे जब पूरी कटिंग करके बनाएंगे तो इस गले की लंबाई हम यहाँ तक रखेंगे। यहाँ तक कपड़ा लगा के हम इसको पैक कर देंगे नीचे से, ताकि वो और सुंदर आ जाए गला। तो इसे हम यहाँ से निशान लगाते हैं, 6.5 पर गला आ जाएगा हमारा तैयार। और इनका जो मुंडे का नाप है, मात्र आर्म होल की लंबाई जो रहेगी वो सिर्फ 6 इंच रहेगी। कमर का नाप जो रहेगा 15 इंच रहेगा।
और यहाँ पर जो हमारा कट की लंबाई है इनकी 22 इंच है, तो हम इसे भी 22.5 पर रख लेंगे, आधा इंच ऊपर दबता है इसलिए बढ़ाकर रख देते हैं। और इनकी जो लंबाई है ये हमने रख ली है 43 इंच, हमें इतना लंबा कुर्ता इन्हें देना ही है, हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, फ्लावर है नीचे बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, ये हमारी लंबाई की मार्किंग है, ये हमारी आर्म होल लंबाई की मार्किंग है, और ये हमारी कमर का नाप है, और ये हमारे कट का नाप है। तो अब हम सबसे पहले कट के नाप पर जाते हैं, जो कि हमने 52 इंच बनाना ही है, तो 52 का हम इस पर रखेंगे 13 इंच, 52 का 1/4 होता है 13 इंच, तो हम इस पे 13 इंच पर एक मार्किंग कर लेते हैं। अब इनकी जो कमर की लंबाई है, कमर की जो गोलाई है 38 है, हमने इसमें 3 इंच मिलाकर इसे कर दिया है 41, तो हम इसे 41 रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ हमने यह मार्किंग लगा ली। अब दोस्तों इनका जो चेस्ट का है, चेस्ट में जैसे हमने कहा है कि इसमें मार्जिंग देना है हमें 3 इंच, लेकिन जब बैक गला इतना लंबा रहेगा 10 इंच का, तो हमें इसे मार्जिंग नहीं देना है, क्योंकि इसमें अगर हम बढ़ती देंगे लूजिंग के लिए तो यह हमारा सूट फेल हो जाएगा। तो हम इस पर 43 है तो 1 इंच की लूजिंग दे रहे हैं, 44 कर रहे हैं, 44 के लिए हमें 11 इंच पर एक मार्किंग करनी होगी, क्योंकि हमारा बैक गला 10 इंच का है, तो हमें इस प्रकार से लूजिंग नहीं देना है। लेकिन इसके अंदर हम आधा इंच 1/4 इंच का एक डाच लगाएंगे, जो यहाँ पर होगा इस प्रकार से, इस जगह पर यहाँ, तो जो हमारा डाट होगा उसके लिए हमें 1/4 इंच कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा दे देना है अभी ही। लेकिन जब हम बैक काटेंगे तो उसमें हम लूजिंग नहीं देंगे, ये डाट के कारण ये कपड़ा अंदर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह पहले हम मार्किंग लगाते हैं ऊपर की, उसके बाद हम मार्किंग लगाते हैं यहाँ की, इस प्रकार से, यह देखिए। दूसरी हम मार्किंग लगाते हैं कमर की, यह देखिए इस प्रकार से, और तीसरी हम मार्किंग लगाएंगे कट की यहाँ पर इस प्रकार से, यह देखिए। तो दोस्तों यह देखिए, इस प्रकार से नीचे घेर की भी हम मार्किंग लगा लेते हैं। घेर हमारा इसका होगा 26 इंच, तो हमें 13 इंच इस पर रखना है घेर के लिए, और 1/4 इंच हम मोड़ने का आगे बढ़ा देंगे। शोल्डर है 15 इंच, और 15 इंच शोल्डर में हम 3 इंच कम कर लेंगे, तो हमारा शोल्डर बनेगा 12 इंच, 12 इंच शोल्डर हम रखेंगे इसका, तो हम यह जो 1 इंच जो बढ़ रहा है हमारा, 2.25 इंच हम गला रखेंगे, तो जब बैक काटेंगे तो इसे हम कम कर लेंगे, तो हम यहाँ से 1 इंच आगे से इसका शोल्डर नाप रहे हैं 12 इंच पर, यह देखिए यहाँ पर। अभी हम आपको बताते हैं ये जब हम कटिंग में डाच लगाएंगे तो यह कपड़ा किस तरह एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार की एक मार्किंग और उठा लीजिए। अब हमें यहाँ से इसकी गोलाई मिलानी है, यह फ्रंट की है, और इसी तरह बस हल्का सा शेप देकर हमारी बैक की भी आ जाएगी, क्योंकि गला बहुत बड़ा है पीछे का, उसी प्रकार से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों यह देखिए, इस प्रकार से एक मार्किंग हमारी यहाँ पर भी आ गई, दूसरी इस जगह। अब यह जो शेप है, बहुत सारे मास्टर उठाते हैं इसको, ऐसा रख देते हैं। जब ऐसा रखते हैं तो जब कट पर तो ये सूट लूज हो गया, लेकिन जो पेट का शेप आता है वहाँ पर इनको ये सूट टाइट हो जाता है और हमारा कट खुल जाता है। अधिकतर टेलर हमने हर वीडियो में देखा है कि ये इसी प्रकार से निशान लगाते हैं, जो कि एकदम गलत है, सही नहीं बता रहे वो लोग। आपको सही कटिंग सीखना है और हमारा वीडियो अंत तक देखना है। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर सीधे स्केल से कभी नाप नहीं लगेगा अगर इस साइज का सूट है। तो इसको आप इस प्रकार से इसे घुमाइए, इस प्रकार से। जब हमारी ये ड्राइंग इस तरफ गई तो ये कम से कम 1.5 इंच सीधी मारे उससे लूज हो जाएगा, ये देखिए
इस प्रकार से। तो हम जब भी इसकी मार्किंग करें इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर आकर इसे मिला देंगे। यह देखिए, तो यह हमारी उनका जो कमर का नाप है बिल्कुल बराबर आ जाएगा यहाँ पर, और यह सूट टाइट उनको नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी एक मार्किंग लगा लीजिए। यह हमने लगा ली मार्किंग और यह दूसरी भी। यह देखिए दोस्तों, यह सूट आपको किस प्रकार से अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य बताएंगे आप। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यह हमने इसकी कटिंग कर ली है दोस्तों। अब इसे हम हटा देते हैं एक तरफ, और यहाँ पर छटका जो है हमारा, इसे भी उठा लीजिए आप। नीचे की हम कटिंग बाद में कर देंगे, और इस तरह से इसे यहाँ ले आइए। अब हमने यहाँ ले आए, इसे यहाँ पर एक छटका लगा लीजिए। अब देखिए, इनका जो आर्म होल साइज था, हमने मात्र 6 इंच का गड्ढा रखा हुआ है, लेकिन इनको 21 इंच चाहिए। यहाँ से ऐसे मिलाइए, यह देखिए कितना भर रहा है, 22.5 इंच। अब हम इसमें आधा इंच का जो हमारा डाच का है वह कम कर देंगे, तो ये बराबर हमारा 21.5 आ जाएगा। यह देखिए, इस प्रकार से हमने यह डाच का छटका लगा लिया। और अब डाच कितना बड़ा लगाना है मालूम है आपको या नहीं? यह आधा इंच, यह हमने कटिंग के लिए इसे आधा इंच यहाँ पर दबा दिया। इस प्रकार से यह डाच का निशान हमारा लग जाएगा। यह हमने निशान लगा लिया डाच का। अब हम क्या करेंगे, इनका डाच यहाँ तक आ जाएगा, और इस गले को इस प्रकार से उठा लीजिए आप, और इसे भी आप कटिंग अभी कर लीजिए। यह देखिए, यह हमने इसे कटिंग कर लिया। अब हम इसे पूरी नीचे तक लंबाई करके रख लेते हैं, और यहाँ पर भी बाकायदा अच्छे से कपड़े को साफ कर लीजिए। यदि आपसे इस प्रकार साफ नहीं होता है कपड़ा, तो आप इसे प्रेस लगाकर सफ़ा कर लीजिए। और यह देखिए हमारा दोस्तों, गले का जो शेप है मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से इसे मिलाइए यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर यह दोनों हमने मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो गला है 10 इंच का है, मैंने आपको बताया था कि इसका गला 10 इंच का है, तो हम इसे उठाकर इस तरफ रख लेंगे। यह देखिए यहाँ पर इस प्रकार से। अब जो हमने इस पर लूजिंग दी है 1 इंच, वो भी हमने इससे बैग में वापस ले ली है, क्योंकि हमें 10 इंच गला चाहिए पीछे का। यहाँ देखिए, यह जो चेस्ट के कारण उठेगा वो हमने इस तरफ निकाल लिया है, और यहाँ पर यह गला हमारा 2 इंच पर आ जाएगा। तो हम इसे आधा इंच ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ, और यह जो हमारा गला है ये यहाँ से बन जाएगा। ये 2.25 इंच गला आ गया हमारा, ये देखिए इस प्रकार से। और अब हम यहाँ पर इसकी मार्किंग लगा लेते हैं, और इसी से इसे मिला देंगे। यह देखिए, यह हमारी कुर्ती की ड्राइंग तैयार हो गई है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। यह देखिए इस प्रकार से। यह देखिए, यह हमने हटा दिया है, और इसका जो हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी। और इस सूट का जो
साइट का छटका है वो भी हमने उठा लिया है। अब हम इसे इसी प्रकार से अलग हटा देते हैं। यह देखिए जो बहुत सुंदर है, तो इस डिजाइन को हम आस्तीन पर देते हैं क्योंकि कुर्ती में भी इसी प्रकार से डिजाइन बनी हुई है। इस तरह से एक 18 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस कपड़े की कटिंग अभी हम कर लेते हैं। यह देखिए इस प्रकार से आधा इंच बढ़ाकर, और इस कपड़े को आप हटा दीजिए इस तरफ, और इसकी आस्तीन की हम अब कटिंग करते हैं। सेंटर का फूल मिला लिया हमने और इस प्रकार से यहाँ पर रख लिया। अब हमें इस पर एक इस प्रकार से सफ़ा कर लेना है, और यहाँ पर जो है हम एक मार्किंग लगा लेते हैं। ये हमने लगा ली। अब इस पर क्या करेंगे, आप 12.5 इंच इनकी आस्तीन की गोलाई है, तो हम यहाँ पर 12.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं, और इस प्रकार से ये 18 इंच पर हमने एक और मार्किंग लगा ली है। 1.5 इंच दबाव के लिए ऊपर बढ़ा देंगे, और इनका जो हम आर्म होल साइज गड्ढा रखेंगे आस्तीन का, वो 3.5 इंच पर रखेंगे। और हमने आपको बताया था कि इनका जो बाइसेप है 3 इंच पर आता है, जो हम रखेंगे 18 इंच पर। यह देखिए 18 इंच पर हमने इसे रख लिया। अब इसे हम इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये हमारा 20.5 इंच आ रहा है। जब ये गड्ढे की कटिंग करेंगे तो ये 21.5 इंच आ जाएगा। तो हम इसे भी इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। यह देखिए एक स्केल की मदद से आप यहाँ पर भी इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, और इस तरफ भी आप कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हल्का सा जॉइंट आएगा, वह जॉइंट हम मशीन पर जब बैठेंगे तो लगा लेंगे, और यहाँ पर भी आप इस प्रकार से एक छटका लगा लीजिए, और एक छटका आप इस प्रकार यहाँ पर भी लगा लीजिए, और एक इस तरफ भी। तो हम अब इसे कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक जानकारी है आपको, और यदि आपको अधिक से अधिक काम सीखना है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिए। और जो लोग भी हमारे चैनल को नए नए सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। बेल आइकन का बटन दबाने के बाद आप एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उस ऑल के ऑप्शन को अवश्य दबाइए। जब तक आप ऑल वाला ऑप्शन नहीं दबाएंगे, हमारे अगले वीडियो की जानकारी और उसकी जो हम अपलोडिंग करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है। तो आप ऑल का बटन अवश्य प्रेस करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो अगेन। जय हिंद।